बताइए जी। अच्छा, दूसरा जो दिन भर पानी पीते हैं ना, तो मुलैठी बहुत अच्छी है। मुलैठी सिंगल रेमेडी है कि आपने मुलैठी की डंडल ली, आपने जैसे घर के लिए, पूरे घर के लिए हम पानी मिसाल के तौर पे आपने 16 लीटर पानी एक उसमें आता है, आपने उसको गर्म किया, उसमें आपने इतना बड़ा टुकड़ा मुलैठी का कूट, 16 लीटर पानी को जी, 16 लीटर पानी जो एक कैरन जो आता है वो 16 लीटर डाल दें पानी का कैरनी, थोड़ा थोड़ा सा गर्म करना होता है ताकि इन्फ्यूजन हो जाए। अच्छा। उसकी खसूसियत पानी में आ जाए। आपने कहा 16 लीटर पानी को, 16 लीटर पानी को गर्म करें, 16 लीटर हल्का कुनकुना गर्म करें जी। सबके घर में पतीलियां तो होती है ना, या आप एक लीटर डंडल डालें, या एक से दो लीटर पानी को गर्म करें, उसमें गर्म करके वो 16 लीटर में डाल दें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और उसमें फिर आप दो मुट्ठी गुलाब की पत्तियां भी डालें, बड़ा फरहत बख्श पानी पड़ता है। और एक छोटी इलायची या दो छोटी इलायची कूट कर, और फिर है ना ऐसा होता है केवड़े का एक कतरा डालें, आप यकीन करें प्यास नहीं लगेगी। और मुलैठी भी वाटर को रिटेन करता है बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी से जो चक्कर आना है उसमें भी आपको फ़र्क आएगा। और प्यास और पानी ठंडा ना पिए, ठंडा पानी प्यास को बढ़ाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपका वाटर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको सूजन की तरफ ले जाएगा। तो वो बीज फिजिबल नहीं है, क्योंकि लोग अब क्या करें, 20-25 जैसे ग्लास पानी पी रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा पानी भी पीना खतरनाक, हर चीज़ की ज्यादती खराब है, प्रेशर डालता है ना किडनी पे, प्रेशर, हर चीज़ की ज्यादती खराब है। तो इस तरह मुलैठी वाला पानी जो, अगर देखिए मुलैठी तो आपने लेना है, और गुलाब आप डालें ना डालें, गुलाब डालेंगे जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, लेकिन असल रेमेडी सिर्फ मुलैठी के। और पूरे अरब में हर जगह गर्मियों में मटकों में मुलैठी डाली जाती है और मुलैठी वाला पानी पिया जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप बताएं आपके पास कुछ है सब पानी शानी की? पानी का तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो सुबह चिया सीड भी बहुत आपको कूल रखता है। आप रात को उसको भिगो के रख दें फ्रिज में, सुबह को आपने वही जो रूम टेम्परेचर पर पानी उसमें एक चम्मच वो डाली, और मैं तो या तो एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ या सिर्फ मिला ये चिया सीड डाल के ये पीती हूँ, तो इससे आपको बहुत ठंडक रहती है अंदर, जिससे मैं अगर आपने सुबह सुबह जैसे ये कह रही है निहार मुँह पी लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। चिया सीड का डेली का मेरी रहे तो इससे आपका ये कि जो गर्मी है उसकी शिद्दत कम होती है आपकी बॉडी में। अच्छा, तो ये पानी में ये डाल के मैं ज़रूर पीती हूँ। अच्छा, हम लोग जैसे आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे कि दिन की शुरुआत इन लोगों ने बताया पानी जो इम्पोर्टेंट है, गर्मी जा रही है, शो ही उससे रिलेटेड है कि हमें अपने आप को गर्मी से कैसे बचाना है। अब आप बताएं आप क्या करती हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए? आजकल तो जो कर रही हूँ वो ये ज़्यादा, एक तो फालसे का शरबत बना देती हूँ, तो बेस्ट बेस्ट। और दूसरा ये कि थोड़े दिनों पहले कैरी थी तो कैरी के बना के शिकंजी टाइप की वो दे देती। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो मेरे मियाँ पीते हैं, जो वो सबको ही मैं बता रही होती हूँ, वो है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी दही डाल के एक नमकीन सी लस्सी, छाछ जिसे कहते हैं। बहुत आपको पता है जैसे लाइक अरबी में शायद उसको लब्बन कहते हैं। अच्छा। और हम लोग जब हज पे थे तो वो बॉटल्स, लब्बन की बॉटल जो है वो आम थी हर जगह, मतलब वो जो आपकी प्यास बुझाती थी, वो जो आपको ठंडक लगाती थी, हाँ वो लब्बन नमकीन भी थी और मीठी भी थी, उसी तरह कच्ची लस्सी टाइप वो बॉटल्स में मिलती है, दही कम और पानी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, तो इस तरह वो बनी बनाई रस्तों में, जैसे आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जी, तो उस रस्ते में फिर वो बांटते पानी के अलावा। हाँ, जी जी, तो वो ये बाकी कच्ची लस्सी इज बहुत अच्छा है, बेस्ट थिंग फॉर जी। तो बाकी चीज़ें तो ये पानी का जैसे ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ये सब हम इसीलिए बैठे हैं ना कि अब घरेलू ख़वातीन को पता लगे कच्ची लस्सी बेस्ट है, लीमू पानी, तो वो अंदर आपके ठंडक डालते हैं, तरबूज का शरबत, हाँ तरबूज का आप, लेकिन ये क्विक इंस्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं, लेकिन तरबूज बहुत देख के खरीदिए, हो क्या रहा है जैसे कि आपको बताया है पहले भी, वो इंजेक्ट करते हैं रंग, जी जी, वो जो रंग इंजेक्ट करते हैं तो जाहिर उसका कलर आप काटते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा कलर है, मगर होता क्या है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डायरिया वायरिया हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंजेक्शन से
जो तरबूज में इंजेक्ट किए जाए। और लोग भी काट के फ्रिज में ऐसे ही रख लेते हैं, वो भी डेंजरस हो जाता है। अच्छा, तरबूज ज्यादा रखना नहीं चाहिए, काट के रखना नहीं चाहिए, उसी वक्त इस्तेमाल करें, जितना खाना है उस वक्त इस्तेमाल करें। मुझे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, जैसे आधा काटा, जहर पूरा तो नहीं खा पाते, और उसको क्लिंग फिल्म में फिर अंदर ना पैक करके, जी जी, फिर फ्रिज में पैक करके एक दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसे अगर खुला रखेंगे ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। हाँ, मतलब उसी वक्त खा लो। और आप तरबूज अगर खोलते हैं ना तो आपको वैसे भी एक स्मेल आ जाती है, जो बहुत ज्यादा पका हुआ हिस्सा होता है उसके एक हींक आती है। बिल्कुल, जो वो हींक वाला है ना, फिर हम क्या करते हैं कि वो हींक वाला सारा हटा देते हैं, नीचे से खाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, वो भी गलत है। अगर आप उसको काट रहे हो उसमें से आपको एक मतलब स्मेल आ रही है, तो फिर वो यकीनन डायरिया का बाइस बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तरबूज जैसे हैजा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? वो टाइमिंग के बात है, टाइमिंग की है, टाइमिंग की बात है, मतलब आप रात को ना खाएं, सुबह खाने के बाद नहीं खाएं, पेट भरा, लोग खाते ही, चलो भाई रात का खाना खा लिया, लाओ भाई तरबूज लेकर आओ, खाते ही रात में, नहीं चावल पे नहीं खाना चाहिए, मछली पे नहीं, गोश्त पे नहीं, कहते कुछ इस तरह के। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये साइंस ने प्रूफ नहीं किया, मिथ है। मैंने कहा मिथ है, कोई मसला नहीं है, कुछ लोगों को हुआ है तो जब ये बातें हुई है ना, ना करो तो कोई मतलब कि डू डाई का मसला तो नहीं है ना, नहीं करो फिर नहीं खाओ चावल पर। आप कभी भी देखें, आप अगर भूखे हैं और आप तरबूज खा रहे हैं ताज़ा उसी वक्त काट के, आपको जो एनर्जी मिलती Instant, है ना, वो बात ही कुछ और है। इसलिए अच्छा, अगर कभी ऐसा हो ना कि तरबूज खाने से अगर आपको आपको लगता है हैजा है, पहली चीज़ कीजिएगा ठंडा पानी पीजिए। कब? तरबूज खाने से पहले? नहीं नहीं, हैजा हो गया ना तो सबसे पहला स्टेप ठंडा पानी। एक और है, नाफ के गिर्द बर्फ लगाना है जी, आप करके देखें। इन गर्मियों में एक हैक है कि आपने इतना छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का लिया, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या ज़्यादा डायरिया हो रहा है, या आपको गर्मी की वजह से पट्ठों में दर्द हो रहा है ना, बाज़ औक़ात होता है कि सर्दियों में लोगों को दर्द होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपके जोड़ फ्रीज हो जाते हैं, आप उठ नहीं सक रहे होते, तो ये नाफ में आप देखें, सारा जंक्शन है हमारे चीज़ों का ना, सारी चीज़ें यहाँ से जा रही होती हैं। और नेचुरोपैथी में हम नाफ को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि नाफ गिर भी सकती है, नाफ को सही रखना। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन भी है और आपको गर्मियों की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं ना, तो आप इतना छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का लेके सुबह खाली पेट अच्छी तरीके से नाफ पे रखें, एक मिनट के लिए, उसके बाद ठंडा ठंडा फैल ही जाएगा, उसको अच्छी तरीके से ना नाफ पे मसाज करें, करके देखें, आजमाई शर्त है, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाएगा, और करना सिर्फ 7 दिन है। अच्छा। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और बहुत मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो घी आप कह रही ना जोड़ों में पट्ठों में दर्द, मुझे लग रहा है एसी में बैठने की वजह से हो रही है। एक वजह एसी, कुछ लोगों को ठंड से होती है तो एसी में आप ठंड में बैठ रहे हैं, हाँ। तो कुछ वजह ये भी होती है कि फ्रीज हो जाते हैं एसी। एक बात ही बताएगा कि जो एसी से हम गर्मी में निकलते हैं फिर गर्मी से एसी में जाते हैं, इसका क्या करें, ये किस तरह बचाएं इससे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। सिर्फ बीमार नहीं हो रहे, लकवा भी हो जाता है। हाँ, ये सारी चीजें ना, जैसे देखें, मैं हमेशा बच्चों के नहलाने के लिए भी माओं को समझाती हूँ कि आप लोग क्या करते हो, न्यू बॉर्न बेबी की भी बात कर रही हूँ कि क्या करते हैं, हमारा एसी चल रहा होता है कमरे में, सही है, और वॉशरूम में तो एसी किसी के भी नहीं लगा हुआ ना, वॉशरूम में नहलाते हैं और फिर टॉवल में रैप करके दोबारा उसको ठंड में ले आते हैं, तो ये ना समझी में करते हैं लेकिन नुकसान उठाते हैं, इस तरह बच्चा बीमार हो सकता है। एसी के पंखे के नीचे भी नहीं लाना चाहिए। हाँ, नहीं लाना चाहिए। और नहाने के बाद भी, जैसे आप नहाने जा रहे हो, एसी बंद कर दें, एसी बंद कर दें, पंखे बंद करें, क्योंकि आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है।